आज जहां देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से उभरने की कोशिश कर रहा है, वहीं औद्योगिक और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए GACS ने भी कमर कस ली है। इसी क्रम में आगे ले जाने के लिए 150 लीडरों को आमंत्रित किया गया। विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा कर ये आयोजन देश में रोजगार और बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगी। देश में अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत मिल रहे हैं और वहीं देश में एक बार फिर से सकारात्मक माहौल बन रहा है। GACS ने लगातार 150 से ज्यादा लीडरों को एक साथ लाकर रोजगार, पूंजी व्यवस्था, बेहतर आधारिक संरचना और नए अवसर पर मंथन किया है। देश में बेहतर रोजगार और पूंजी व्यवस्था को प्रगति मिलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे कॉरपोरेट सेक्टर और सरकार को एक साथ मिलाकर इनमें सहयोग कर सरकार के वैक्सीन के कार्य पर भी हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करें। साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर में भी COVID-19 प्रोटोकॉल पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इस पर चर्चा की गई। कॉर्पोरेट सर्विसेज का आज का जो लीडरशिप कॉन्क्लेव है, इसके अंदर हमने 150 लीडर्स को बुलाया था। कारण ये है कि पिछले 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर एनवायरनमेंट बहुत फर्क पड़ा है। एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम में चले गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर हालांकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, लेकिन काफ़ी लॉसेस हुए हैं। निचले स्तर के ऊपर काफ़ी लोगों के जॉब चले गए हैं, लोग परेशानी के अंदर हैं। तो उस सबसे उभरने के लिए एक सकारात्मक तरीका हम ढूंढ रहे थे। उसके अंदर बैठ के आज ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के तरीके चुन सकें, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, Tier 2, Tier 3 सिटीज तक टेक्नोलॉजी को लेके जा सकें, ताकि लोगों को जो वापस घरों में भी चले गए वहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस तरह की डिस्कशन होती रही है। ग्रोथ का परसेंटेज अब इसके बाद राइज ही करना है। जो टफ पीरियड था हमारे पीछे वो जा चुका है। 4% ग्रोथ की तरफ हम देख सकते हैं, IT इंडस्ट्री की तरफ से आसानी से देख सकते हैं। कारण ये है कि हमने नए तरीके के अंदर, न्यू नॉर्मल के अंदर, न्यू तरीके से सस्टेनेबिलिटी के हमने तरीके अपने ढूंढ लिए हैं, कैसे इसके अंदर कार्रवाई की जा सके। रियल एस्टेट को भी हमने उठाने के आज तरीके डिस्कस किए यहाँ पर, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी लॉसेज हुए थे। रियल एस्टेट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए अंदर के इन्वायरमेंट के अंदर को वर्किंग स्पेसेस कैसे कार्रवाई करें, उसके अंदर आज की बहुत डिस्कशन अच्छी निकली है। इसके अंदर कई आंसर भी निकल के आ रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर इंप्रूवमेंट के फायदे जरूर निकल के आएंगे। आज आपको यहाँ पर अवार्ड मिला, किस तरीके से आप लोग घर बनाने की योजना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि सभी को घर मिल जाए, कैसे आप लोगों को घर देंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए, आज मुझे GACS ने यहाँ पे ऑनर किया है, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति को अपना घर मिले, निसंदेह एज ए डेवलपर मैं भी चाहता हूँ कि देश में चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर व्यक्ति के पास अपना एक घर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, घर हिंदुस्तान के अंदर एक सपना है, एक वो सपना है जो हर आदमी उसके साथ जीना चाहता है। तो ऐसे में एज ए डेवलपर मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार, जैसे कि आजकल चला रही है बहुत सारी स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम आवासीय योजना या दूसरी योजनाएँ जो सरकारी चल रही हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कुछ ग्रुप हाउसिंग्स का काम भी लोगों को दिया है और उसमें काफ़ी रिबेट्स भी टैक्सेशन में मिली हैं। अगर इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न आगे बढ़ा रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले चंद सालों में हम डेवलपर्स भी उसमें सहयोग करेंगे और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास अपना एक घर होगा और हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश होंगे। आज की इस चर्चा में कॉरपोरेट सेक्टर की विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया और कोविड के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर देश की भागीदारी में सरकार का सहयोग करने की सहमति बनी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी TV।